आज देर रात जिला प्रशासन द्वारा गरीबों और असहाय लोगों के बीच अलग अलग जगहों पर कंबल का वितरण किया गया। जहां आपको बता दें कि पुराने समाहरणालय परिसर में सदर अस्पताल में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। साथ ही अलग अलग चौक चौराहों पर जिला प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। इसी को लेकर गुड्डा उपायुक्त जिसान कंवर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ठंड और शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गुड्डा शहर के साथ साथ हर प्रखंडों में गरीबों और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही हर चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर जिले के वरीय पदाधिकारी और ज्यूडिशियल ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। क्या इनिशिएटिव आपके द्वारा करवाया गया और कौन कौन सा जगहों पर किया गया? देखिए, ये राज्य सरकार के द्वारा, जैसा कि झारखंड में और गोड्डा जिले में भी सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लोग जगह जगह पर चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और हर साल की भांति इस साल भी जो गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनको ठंड से सबसे ज़्यादा डर है, उनके लिए राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की है कंबल का, तो उसी के क्रम में आज जिले के सभी वरीय पदाधिकारी, जुडिशियल के ऑफिसर्स, ये लोग सभी लोग हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक पहुँचें और उनका जो ठंड में जो उनका मुश्किल है, उनकी मुश्किलों को थोड़ा कम करें। उसी क्रम में पुराना समाहरणालय के पास जो गरीब निर्धन रहते हैं, जो बाहर रहते हैं रात में, उनको और यहाँ पर हॉस्पिटल में जो दूर दराज से इमरजेंसी में आते हैं, तो हम लोग प्रयास है कि उनको जो भी थोड़ा सा उनका लोग मदद कर सके, वो राज्य सरकार के निर्देश में हम लोग कर रहे हैं। तो ये अभियान अभी इस पूरे शीतलहरी में चलता रहे? ये पूरा चल भी रहा है, सारे ब्लॉक में भी जो सरकार के द्वारा हम लोगों को टारगेट दिया गया था, तो कंबल का प्रोक्योरमेंट बहुत पहले कर लिया गया था, अभी उसका वितरण ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर दिया है। फिर भी हम लोग कहीं कहीं जा करके उसका वितरण कर रहे हैं। सभी प्रखंडों में अच्छी खासी संख्या में कंबल का वितरण किया जा रहा है। जो भी गरीब निर्धन, जिनको थोड़ी समस्या है, जो कि उनको करा रहे हैं, उनको कंबल दिया जा रहा है। और अलाव की व्यवस्था की जा रही है, अलाव का भी चौक चौराहे पर आप देखेंगे कि ठंड से बचने के लिए, ताकि लोगों को थोड़े राहत मिले, तो उसकी व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद। लीजिए अपना बांटे, जैसे रात में मान लीजिए कोई महिला है, वृद्ध महिला है, कुर्सी पे सो जा रही है, तो उस तरह की महिलाओं बट वो गरीब, मतलब गरीब महिला हो, वृद्ध महिला हो, नीडी हो, तो उनको सरकार को दे रहा है, तो आप उपलब्ध है इनको कुछ कम्बल। नॉर्मल चली जाती है आ जाइए।